तो गाइस हमारे पास आज है बजाज की फ्रीडम 125 का ब्लू और ब्लैक कलर। तो भाई आज जो है आपको इस वीडियो में इस गाड़ी का पूरा फुल डिटेल रिव्यू देखने को मिल जाएगा। और ये जो है भाई डिस्क वाला वेरिएंट होने वाला है, बाकी जो वेरिएंट का नाम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मेंशन NG04। तो ये इस गाड़ी का टोटल वेरिएंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस गाड़ी का पूरा फुल डिटेल रिव्यू देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं बाइक के फ्रंट से। अगर भाई फ्रंट में आए तो फ्रंट में आपको मिल जाता है फुली LED का हेडलैम्प, जो कि भाई ये आपको मिलेगा LED के साथ। भाई कुछ आपको मिल जाते हैं बल्ब यहाँ पर भी, और ये जो है प्लास्टिक के साथ आता है भाई, ये कोई कांच नहीं है, तो भाई ये फ्लेक्सिबल है। बाकी जो हेडलैम्प है वो आपको राउंड शेप में देखने को मिल जाएगा। अगर इंडिकेटर भाई देखा तो इसका जो इंडिकेटर है वो आपको मिलेगा हेलोजन का, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो भाई ये थोड़ा सा आपको हार्ड मिलने वाला है। बाकी भाई जो बाइक का नंबर प्लेट है आपका वो इधर प्लेस हो जाएगा, और ये जो प्लेसमेंट है भाई ये आपको प्लास्टिक के साथ देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई ये कुछ नॉब वगैरह दिए गए हैं भाई, जिससे कि आप एडजस्टमेंट कर पाओगे शायद हेडलाइट की या फिर मीटर की, भाई वो मुझे अभी कंफर्म नहीं पता भाई, जस्ट मैंने इसको अभी देखा, बाकी बाद में बता दूंगा। और भाई यहाँ पर आपको मिल जाता है मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट, जो कि आप ये देख लो भाई कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करने का कनेक्टर देख सकते हो। बाकी भाई जो ये वाला पार्ट है तो भाई ये जो है मेटल का नहीं है, ये जो है प्लास्टिक का रहने वाला है, जो आप भाई सुन सकते हो। भाई ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे बॉडी कलर से मैच करते हुए, कुछ आपको मिल जाएंगे वेंट्स। बाकी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भाई आपको लोहे का मिलेगा, जो कि फ्रंट से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपको यहाँ पर मिल जाएगी फ्रीडम की ब्रांडिंग, भाई यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंडिया का फ्लैग। बाकी जो ये वाला पार्ट है तो ये आपको प्लास्टिक के साथ मिलेगा भाई, ये लोहे का पार्ट नहीं है भाई, इसका जो मिडगार्ड है वो पूरा प्लास्टिक का आएगा। आगे आपको मिल जाते हैं सस्पेंशन टेलीस्कोपिक के, और ये जो है इसका कवर है भाई, जिससे कि आपकी सॉकर की जो ऑयल सील है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। बाकी भाई जो गाड़ी का अलॉय व्हील है वो आपको नए डिज़ाइन का देखने को मिल जाता है बजाज कंपनी की ओर से, इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको काफ़ी बेहतरीन लगेंगे। रिम पे आपको कुछ ऐसे मिल जाते हैं स्ट्राइप्स, जो कि ग्राफिक से मैच करते हुए रहेंगे। आगे आपको टायर मिलता है 90 सेक्शन का, और भाई इसकी जो प्रोफाइल है वो आपको 90, 80, 17 की देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई इसमें आपको ड्रम और डिस्क दोनों ही वेरिएंट और ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी जो इसका ब्रेक का कैलिपर है वो आपको डुअल पोर्ट के साथ मिलेगा, जो कि आपको एंड्योरेंस ब्रांड का मिलेगा। भाई जो ब्रेक का साइज है सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। बाकी भाई अगेन वही सारी चीज़ें आपको इधर भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। बाइक का भाई जो इंजन है वो आपको 125 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड मिल जाता है, और ये इंजन आपको पेट्रोल और CNG दोनों ही चीज़ों से चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई इसका जो नॉब वगैरह है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, तो भाई CNG को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन भाई जब आपको फिल कराना होगा तो आपको ये कैप खोलना ही पड़ेगा। बाकी भाई जो इसके भाई जो इंजेक्टर्स हैं CNG के, तो वो कंपनी ने यहाँ पर दे रखे हैं। बाकी भाई ये आपको मिलेगा सिंगल हॉर्न, और भाई कुछ आपको सेंसर्स इधर मिल जाते हैं CNG से रिलेटेड। बाकी जो इसका हेड है वो आपको ये वाला पार्ट प्लास्टिक का मिलेगा, जहाँ से भाई आई थिंक CNG जो है इनटेक में जाती है, और ये गाड़ी आपको सिंगल प्लग के साथ मिलेगी। बाकी भाई इसका जो एग्जॉस्ट है वो कंपनी ने नीचे के साइड से प्लेस किया है, यहाँ पर आपको मिलता है कैटलेटिक कन्वर्टर, और ये जो गार्ड है ये आपको प्लास्टिक का मिलेगा, और जो पार्ट आगे का है ये आपको स्टील का मिलेगा। तो भाई ये गाड़ी बहुत ही मजबूत है। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है इंजन ऑयल फिल्टर, और भाई इसका जो क्लच वगैरह ये शायद काफ़ी बड़ा है। बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट किक स्टार्ट दोनों ही सिस्टम देखने को मिल जाता है। बाइक का जो टैंक है इस पर आपको मिलता है बजाज का लोगो, फ्रीडम की ब्रांडिंग। बाकी भाई जो ये वाला पैनल है प्लास्टिक का है, और जो ये वाला पैनल है ये भी प्लास्टिक का रहने वाला है। और इसका भाई जो CNG टैंक है वो इस सीट के नीचे है, और भाई ये टैंक बहुत ही सेफ़ है। मतलब भाई कंपनी ने, भाई आपने देखा होगा कि इस पर जो है कंपनी ने ट्रक वगैरह चढ़ा दिए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो भाई बिल्कुल भी मत डरना कि ब्लास्ट हो जाएगी, आपका पिछवाड़ा उड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। भाई कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से सिलेंडर को कवर कर दिया है। जो चेसी है ये बहुत मोटी है, तो भाई वो आप देखो कि डिज़ाइन कंपनी ने CNG के सेफ्टी के लिए कैसा डिज़ाइन किया है चेसी को, कि बिल्कुल भी खतरा ना रहे। भाई ब्रांड बड़ा है तो रिलायबिलिटी भी बहुत बड़ी बनती है, तो खतरा बिल्कुल नहीं है। पीछे आपको मिल जाएगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर भाई, जो कि आपके स्विंग आर्म के जस्ट नीचे ज्वाइंट होता है, जैसा कि आपको MT-15 और R15 V4 में मिलता है,
लिंग बोलते हैं शायद इसे, तो भाई ये सस्पेंशन कुछ वैसा ही माउंट है। बाकी जो फुटरेस्ट हैं ब्रेक के वो के कुछ ऐसे मिलेंगे भाई, ये फोल्डेबल नहीं है। और जो पीछे वाला है पिलियन का, ये आपको फोल्डेबल मिल जाएगा। बाइक का भाई जो एग्जॉस्ट है वो आपको साइड माउंटेड मिलेगा और ये मैट ब्लैक में रहेगा भाई। ये जो पट्टी है ये आपको मिलेगी मेटल की। ओवरऑल जो भाई बाइक की क्वालिटी है वो कंपनी ने काफ़ी सॉलिड दे रखी है। और इसका भाई जो ये वाला पार्ट है ये आपको प्लास्टिक का मिलेगा, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल डार्क ब्लैक प्लास्टिक है। और जो भाई ये वाला पैनल है, जो ये वाला पार्ट है, ये आपको अलग से मिलेगा, चेसी में माउंट नहीं है भाई, यहाँ से टाइट किया गया है। और ये वाला पार्ट लोहे का आता है। बाकी पीछे कुछ ऐसा आपको मिलता है गार्ड भाई, जो कि आपके सस्पेंशन को गंदा होने से बचाता है। और इसका भाई जो पीछे का टायर है वो आपको 120/70/16 का मिल जाता है। तो भाई टायर साइज आपको पीछे का 16 मिलता है भाई, ये मैंने अभी नोटिस किया। बाकी पीछे कोई भी आपको डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता है। हाँ भाई, फ्यूचर में अगर इसका 150 cc आया तो आपको पीछे डिस्क डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी भाई आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। और पीछे जो है भाई कुछ ऐसा आपको हगर गार्ड मिल जाता है, जिस पे कि आपको CNG की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये रहना ही रहना है। बाकी भाई इसकी जो टिल्ट आईडी है वो आपको काफ़ी छोटी मिलती है, साइड से कुछ ऐसी लगेगी। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स, और भाई यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको सॉलिड मिलते हैं। और बाइक का भाई जो टेल लाइट है वो कुछ आपको ऐसा मिलेगा LED का। इसकी जो ग्रैब रेल्स हैं वो आपको एलुमिनियम देखने को मिल जाएंगे। और इसके जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बाइक की भाई जो सीट है वो आपको मिलने वाली है काफ़ी लंबी सी। तो भाई सीट आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ जाके ख़त्म होती है। बाकी इसकी जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर भाई ऊपर के साइड आएँ तो इसमें आपको मिल जाता है फ्रंट में डिस्क। भाई उसके लिए आपको यहाँ पर मिलता है मास्टर सिलेंडर वगैरह। और भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है सेल्फ स्टार्ट। कोई भी आपको इस गाड़ी में इंजन किल स्विच अभी नहीं मिलती है, लेकिन भाई 150 सीसी आएगा तो डेफिनेटली आ जाएगा। बाकी जो हैंडल बार है वो काफ़ी ब्रॉड है। और इधर आएँ तो भाई यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो CNG पे, पेट्रोल पे, पास अपर डिपर। और भाई ये रहा आपका स्विच कनेक्टिविटी का, तो वो आप देख लो। बाकी जो भाई की स्लॉट है इग्निशन का वो आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्यूल कैप यहाँ से खुलेगा भाई, जस्ट यहीं के नीचे आपको CNG और पेट्रोल दोनों आप डाल सकते हो। बाइक का जो मीटर कंसोल है वो आपको मिल जाएगा फुली डिजिटल। और भाई जो ये वाला वेरिएंट है इसका जो प्राइस है ऑन रोड वो आपको मिलने वाला है 1,30,200 रुपये ऑन रोड। भाई अगर आप इस गाड़ी को कैश में लेते हो तो ये प्राइस निकल के आता है। बाकी जो बाइक का पूरा ओवरऑल लुक है साइड से वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये बाइक साइड बाई साइड कैसी लगती है। बाकी जो गाड़ी के सभी वेरिएंट हैं, चाहे वो डिस्क हो चाहे वो ड्रम हो, तो भाई सारे के सारे वेरिएंट्स आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। बाकी अगर इधर आएँ तो बाइक का जो लुक है कुछ ऐसा आने वाला है। तो भाई ओवरऑल जो है ना, ये बाइक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। और भाई चांस है कि ये गाड़ी आपको 100, 125 और 150 तीन सेगमेंट में देखने को मिलेगी, अगर सक्सेसफुल रही तो। बाकी जो है गाड़ी में आपको सिंगल स्टैंड डुअल स्टैंड दोनों सेटअप मिल जाता है। तो भाई जो वीडियो है लाइक कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।